हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ डीएमएलटी स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। इस टॉपिक के अंदर मैं आज आपको ग्राम स्टेनिंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपना लास्ट वीडियो का आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था कि हम ब्लड अगार में शिप ब्लड ही क्यों यूज़ करते हैं, हम ह्यूमन ब्लड भी तो यूज़ कर सकते थे ना। तो इसका आंसर है कि ह्यूमन ब्लड हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ह्यूमन ब्लड के अंदर काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होती है। ये वही एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम खाते हैं, ठीक है। ये ब्लड सर्कुलेशन में रोटेट होती रहती हैं। अब हमारे ब्लड में तो एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे एलिमिनेट करते हैं और सिर्फ ब्लड को यूज़ करते हैं। और गाइज, अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो इसे भी प्लीज़ जाके देख लो, ठीक है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग हमारे पास मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स है। ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। इसे क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में इंट्रोड्यूस करा था। इस स्टेनिंग की हेल्प से हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट एंड क्लासिफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी और सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस वीडियो में मैं बैक्टीरिया की सेल वॉल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल मैंने इसका दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। दो केस हैं बनाए हुए हैं मैंने इसमें, ग्राम नेगेटिव का केस और ग्राम पॉजिटिव का केस। जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट से, ये हमारा प्राइमरी स्टेन है, और फिक्स करते हैं मॉडरेंट से, मॉडरेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आयोडीन, ठीक है। तब कुछ बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेन को लेते हैं, मीन्स क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करते हैं, और कुछ नहीं रिटेन करते, ठीक है। जो रिटेन नहीं करते वो डिकलराइज हो जाते हैं अल्कोहल से। जब हम डिकलराइजर डालते हैं ना तब वो डिकलराइज हो जाते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया स्टेन रिटेन करेंगे और कौन से बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं वो स्टेन को रिटेन करते हैं क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास थिक पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, ठीक है। जब हम इस बैक्टीरिया पर डिकलराइजर डालते हैं तब बैक्टीरिया की सेल वॉल श्रिंक हो जाती है और इसके जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जिस पोर्स से डाई इसके अंदर गई है वो ही पोर्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्रिस्टल आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो बैक्टीरिया सेल वॉल से रिमूव भी नहीं हो पाता, ठीक है, और वो इसे रिटेन और वो इसके अंदर रिटेन रहता है। इससे क्या होगा, इससे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो ब्लू और पर्पल कलर की दिखाई पड़ती है माइक्रोस्कोपी के अंदर। अब हम केस देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, ठीक है। इस बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है, ठीक है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के पास थी। मगर फर्क इतना होता है कि इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के पास जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में काफ़ी थिक थी, ठीक है, इसके पास काफ़ी थिन है, ठीक है। पर इस टाइम इसका कोई फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर सेल वॉल के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है लिपिड की, ठीक है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, जो क्रिस्टल वॉयलेट को सेल वॉल तक पहुंचने ही नहीं देती, ठीक है, क्योंकि जो हम यहाँ पर डाई यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टल वॉयलेट डाई, वो लिपिड सोल्यूबल नहीं है, इसलिए वो वॉश हो जाती है जब हम डिकलराइजर उसके ऊपर डालते हैं। तब वॉश होने के साथ साथ डिकलराइजर लिपिड की मेम्ब्रेन को भी रिमूव कर देता है और जब हम इस पर सेकेंडरी स्टेन अप्लाई करते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारा सेकेंडरी स्टेन को ले लेता है, ठीक है, और ये रेड पिंक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ये था इसका प्रिंसिपल। दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिएजेंट्स की, ठीक है।
रिएजेंट्स नंबर वन, पहला रिएजेंट हम यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, ये है हमारा प्राइमरी स्टेन, इसे हम प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा आयोडीन, ये एज ए मॉडरेंट काम करता है यहाँ पर, ठीक है, ये क्रिस्टल वॉयलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। थर्ड रिएजेंट है हमारा 95% एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल हम यूज करते हैं 95%, ये एज ए डीकलराइजर यूज होता है, ठीक है, ये प्राइमरी स्टेन के कॉम्प्लेक्स को रिमूव करता है, ठीक है, जो हमारा क्रिस्टल और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे रिमूव करता है। फोर्थ जो रिएजेंट है हमारा वो है सेफ्रानिन, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी डाई है, इसे हम सेकेंडरी स्टेन भी कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को यही स्टेन कलर देता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर बैक्टीरिया कॉलोनी की एक स्लाइड बनानी है, ठीक है। लूप की हेल्प से बैक्टीरिया कॉलोनी हमें अगार मीडियम प्लेट पर जो ग्रोथ आई थी हमारे सैंपल की उसमें से लेनी है, ठीक है। फिर इसे एयर ड्राई करना है और हीट फिक्स करना है, ठीक है। हीट फिक्स हम बैक्टीरिया को स्लाइड पर चिपकाने के लिए करते हैं, याद रखना, ठीक। स्टेप नंबर थर्ड, हीट फिक्स करने के बाद हमें क्रिस्टल वॉलेट जो हमारा प्राइमरी डाई थी उसे पोर करना है स्लाइड पर 30 सेकंड to 1 मिनट के लिए, ठीक है। फिर इसे वाटर से वॉश करना है 1 मिनट के बाद, ठीक है। फिर इस पर हम ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है। फिर उसे भी वॉश कर देना है, ठीक है, स्टेप नंबर फोर, ठीक है। फिर इस स्लाइड को डिकलराइज करना है हमें अब, ठीक है। डिकलराइज करेंगे हम 95% अल्कोहल डालकर, ठीक है, अल्कोहल डालनी है हमें 10 to 20 seconds के लिए, ठीक है। और फिर इसे भी वॉश कर देना है, स्टेप नंबर फाइव, ये हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। इस स्टेप में हम हमारा सेकेंडरी स्टेन अप्लाई करेंगे जो है हमारा सेफ्रानिन, ठीक है, हमें सेफ्रानिन डालना है 1 मिनट के लिए और फिर इसे वॉश कर देना है, ठीक है। फिर इसे थोड़ी देर हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं और सूखने के बाद हम फिर से इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो अब एक बार लास्ट फाइनली सारी चीज़ हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग देखो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में कोई भी कलर नहीं होता किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर, दोनों की सेल वॉल के ऊपर कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसे फिक्स करना होता है बैक्टीरिया पर, बैक्टीरिया की स्लाइड बना के हमें इसे फिक्स करना होता है, ठीक है, वो अच्छे से अडेयर हो जाए स्लाइड पर, ठीक है। फिर हम इस पर क्रिस्टल वॉयलेट अपनी जो प्राइमरी डाई है वो पोर करते हैं, ठीक है। प्राइमरी डाई डालने के बाद क्या होता है, दोनों बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है वो पर्पल कलर की होती है, ठीक है। फिर हमें इस पर अपना मॉडरेंट डालना है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, ये क्रिस्टल वॉयलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। इसके बाद हम डीकलराइजर डालते हैं। डीकलराइजर डालने से क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियास पर तो कोई भी असर नहीं होता, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो प्राइमरी स्टेन, उन पे से प्राइमरी स्टेन रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिर हम डालते हैं अपना सेकेंडरी स्टेन, जिसे हम काउंटर स्टेन भी कहते हैं, वो है सेफ्रानिन, ठीक है। इसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑब्जर्व कर लेता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर इसका कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही स्टेन ले चुका होता है। अब देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लू पर्पल कलर के दिखाई पड़ते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड पिंक कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियास के हैं। तो गाइस, ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका था एग्जांपल इसके प्रीवियस वीडियो में, वही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरियास को कैसे याद रखना है, ट्रिक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर चुका हूँ मैं पहले ही, ठीक है। तो गाइज, ये थी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।